हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमपीसी ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो आप लोग वीडियो का स्किप मत कीजिएगा। तो आज हम ब्लॉग बना रहा हूँ, मेरा फर्स्ट ब्लॉग है ये, मेरा नवरात्रि का। और ये मैं पंडाल दिखाने का काम करूँगा इसमें, और इसमें सारा अलग अलग पंडाल के हर जगह के अलग अलग मूर्तियाँ होती है, सारा हम दिखाएँगे। तो आप लोग वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। तो ये देखिए, मैं दूसरा पंडाल पर, ये पहला पंडाल पर मैं गया हूँ। तो ये इस तरीका से मूर्ति, वहाँ पे सजावट डेकोरेशन बहुत अच्छा था और मैं इस तरीका से बनाया हूँ। तो ये मैं आरा का जो होता है, आरा का ये पंडाल दिखा रहा हूँ मैं। तो ये आरा में जितने भी लोग हैं, सब लोग घूमे होंगे। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, और वीडियो का स्किप मत कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लीजिएगा। तो इसी तरीका से आप लोग को वीडियो दिखाते रहेंगे, कुकिंग का हो या फिर लोकेशन ब्लॉग हो, फिर या सिंगिंग का ब्लॉग हो, चाहे कुछ भी आप लोग को दिखाते रहेंगे इस चैनल से। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए कितना लाजवाब तरीके से मूर्ति बना हुआ है हर जगह का। और बहुत जगह पे मैं गया तो मैं, भीड़ ज़्यादा था इसलिए मैं बना नहीं पाया। तो ये इसी तरीका से आप लोग को सारा वीडियो बने रहिएगा। और कितना लाजवाब तरीका से मूर्ति बना हुआ, सजावट डेकोरेशन बहुत अच्छा होता है। देखिए कितना अच्छा है, फूल भी सजाया हुआ है झाड़ी की तरह, बहुत अच्छा वीडियो है। तो आप लोग को सुगज पसंद आएगा ये मेरा ब्लॉग वीडियो। तो इसी तरीका से आप लोग को बारी बारी से देखिए, मेरा और भी पंडाल का है। तो अलग अलग पंडाल की हम मूर्तियाँ का वीडियो बनाया हूँ, तो आप लोग को दिखाने का काम कर रहा हूँ दोस्तों। तो आप लोग को ऐसा ऐसा वीडियो अगर चाहिए, इससे भी अच्छा वीडियो चाहिए, कुकिंग का भी इसमें डालूँगा, जो कुकिंग जो खाना बनाते हैं हम, उसका वीडियो मैं इस पर डालूँगा। ये मैं, ये दुर्गा पूजा का नवमी का ये मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। मैं थोड़े लेट हो चुका हूँ, मेरे को तबीयत ख़राब था, प्लस में काम बिजी थे, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, एडिट नहीं कर पा रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं बारी बारी से सारा, हर जगह का जो आराम होता है, इधर आरा की मैं दिखा रहा हूँ। तो आरा में जी, आरा ज़िला जहाँ पे पवन सिंह का घर है, तो वहाँ पे ये मूर्ति बहुत लाजवाब तरीके से बना है। हर जगह का मैं विजिट किया हूँ, जा के बहुत अच्छा लगा यहाँ का सब चीज़ सजावट। देखिए आप लोग देख भी सकते हैं कितना अच्छा से डेकोरेशन किया गया है, सारा लोग किए हैं, मेहनत किए हैं, जो भी, बहुत अच्छा है दुर्गा पूजा। तो आप लोग प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की, प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की। आप लोग को कमेंट में लिख देना है, और इसी तरह से आप लोग वीडियो में बने रहिए, और भी दिखाएंगे दूसरा जगह का वीडियो। तो देखिए ये मेरा दूसरा जगह का वीडियो है, दूसरा तीसरा जो भी है सब बारी बारी से हम वीडियो बनाया है। तो कहाँ पर अगर आपको कौन सा वाला लगा है, कितने नंबर वाला, आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा और उस तरीका से बताइएगा कमेंट में कि कौन सा मूर्ति सबसे बेहतरीन है, कहाँ का पंडाल बहुत अच्छा है सजावट डेकोरेशन मूर्ति का, वो आप लोग वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। तो मैं इसी पे, इस चैनल से मैं ब्लॉगिंग दिखाने का काम करता हूँ। कुछ भी ब्लॉग हो, मैं इससे A to Z ब्लॉग दिखाऊँगा, कौनों चीज़ का हो, या फिर सिंगिंग से जुड़ा हुआ हो, या फिर लोकेशन से जुड़ा हुआ हो, या कुकिंग से जुड़ा हुआ है, तीन चीज़ मैं दिखाने का काम करूँगा इसमें ब्लॉग में। तो आप लोग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरीक़े से प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिएगा, ताकि और भी अच्छा अच्छा सीन दिखाएंगे आपको, अच्छा अच्छा ब्लॉगिंग बनाएंगे। तो देखिए कितना लाजवाब है, कितना सुंदर लग रहा है दुर्गा माँ की मूर्ति, बहुत अच्छा बना है दोस्तों। तो आप लोग प्लीज़ हमको सपोर्ट करिए, एक बार माई के नाम पर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दुर्गा माई के लिए। तो आप लोग इसी तरीक़ा से वीडियो देखिए कि कितना सजावट है, अच्छा डेकोरेशन किया गया है। बहुत ही सब फेस्टिवल जो होता है ना, ये बहुत यूपी बिहार में बहुत धूमधाम से लोग मनाते हैं ये नवरात्र का। तो इसी तरीक़ा से देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी है बहुत अलग अलग डिज़ाइन का मूर्ति बना हुआ है, यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। तो आप लोग देख सकते हैं,
अभी जगह का नाम मेरे तो पता नहीं है कि कौन सी जगह पे कौन सा मूर्ति है। देर तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, लव यू, धन्यवाद।